सोनिया जी, सुबह से गाते गाते बिल्कुल गले में दर्द होने लगा और हारमोनियम बजाते बजाते उंगलियों में दर्द होने लगा, लेकिन अभी तक मुश्किल से लोगों ने इनाम के 50 रुपए भी नहीं दिए। अरे बहन सोनिया जी, ये भाई साहब अपनी तरफ बड़े आ रहे हैं, इन्हीं से पैसे मिलेंगे लगता है। जाते हो परदेश जाते ही, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, गाने को तो सुन लो थोड़ा सा, मेरे गाने सुनने के बाद थोड़ा सा इनाम दे दो। बहन जी गाना सुनना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, गाने से मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरी बस छूट गई है, दूसरी बस के इंतजार में खड़ा हुआ हूँ इस बस अड्डे पर। आपको अपने पैसे की पड़ी है, मेरी बस नहीं आ रही है दूसरी। तो भाई साहब आप इतनी चिंता क्यों करते हो, ये बताओ आपको कहाँ जाना है, कहाँ की जाने वाली बस के बारे में बताना है आपको, बताओ। हम तो रोज यही बस अड्डे पर ही रहती हैं, हमें पता है कि कौन सी बस कब आती है कब जाती है, बताओ आपको कहाँ जाना है। बहन जी मुझे अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद के लिए बस कब आएगी, कितने बजे आएगी, बताओ कुछ। लेकिन भाई साहब कुछ पैसे तो डालो इस हारमोनियम पे, तभी तो हम कुछ बताएंगे आपको कि बस कब आएगी कब नहीं आएगी। अहमदाबाद की बस तो बहुत जल्द आएगी, टाइम भी बता देती हूँ मैं आपको, लेकिन जेब तो ढीली करो कुछ। कैसी बात करती हो बहन जी, बस के बारे में जानकारी देने के लिए आप पैसे ले रही हो। अरे भाई साहब ये पैसे पैसे नहीं मांग रही हैं, ये गाने सुनने का जो इनाम है, इनाम इन्हें दे दो कुछ। अगर गाना सुनने के बाद खुशी से 2-4 रुपए दे दोगे तो कोई बात थोड़ी हो जाएगी, आपकी बस कब आएगी उसकी जानकारी भी ये दे देंगी। भाई साहब मैं आपसे नहीं बुलवा रहा हूँ, आप चुपचाप पैसे खड़े रहो, एक तो पैसे जेब में पैसे नहीं है। बहन जी कुछ तो बताओ, बस कब आएगी अहमदाबाद जाने वाली। पहले ये बताओ आप ये क्या कर रहे हो, हारमोनियम पे से पैसे क्यों उठा रहे हो। अरे ये हारमोनियम के पैसे गिर रहे थे, उन पैसों को मैं गिरने से बचा रहा हूँ, नहीं तो ये हारमोनियम से पैसे गिर जाते नीचे अभी। भाई साहब ज्यादा बातें मत बनाओ, हारमोनियम के पैसे ऐसे नहीं गिरने देते हम। क्यों बहन सोनिया जी, आपको पैसे नहीं देना है, चलो मत दो। बहन सोनिया जी इनकी बस कब आएगी ये बता दो, हम कोई आपसे ऐसी पैसे थोड़ी मांग रहे हैं, अपना इनाम मांग रहे हैं गाना सुनाने का। अरे लो तो बहन जी 10 का नोट ले लो। चलो भाई साहब आपने 10 का नोट तो दे दिया, लेकिन आपको एक बहुत बुरी खबर बताऊं, आज तो अहमदाबाद जाने वाली बस आएगी नहीं, आज पूरा दिन आपको यही रहना पड़ेगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। योगी जी इस बार की परीक्षा का पेपर जिस टीचर ने भी बनाया है कम से कम 1 क्विंटल काजू बादाम खा के बनाया है, मेरे तो कुछ समझी में नहीं आ रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे सिर के ऊपर से जा रहे हैं। एक तो हमारे क्लास में जो टीचर पढ़े हैं वो बहुत सख्त हैं, चेकिंग बहुत कर रहे हैं, अरे वो तो इधरी को आ रहे हैं। अरे भाई लालू जी जरा बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, बेंच के ऊपर। जी राहुल सर मुझसे क्या गलती हो गई, मैं तो आराम से अपना पेपर कर रहा हूँ। अरे भाई पेपर तो कर रहे हो, पेपर के नीचे एक पर्ची थी तुम्हारी, कहाँ गई। अरे अभी तो तुम लिख रहे थे, पेपर के नीचे छुपी हुई थी, मैंने देख लिया था अपनी आंखों से, बाज की तरह तेज आंखें चलती है मेरी। अरे अब तो है नहीं तुम्हारे पास वो पर्ची, कहां गई। अरे राहुल सर आपको गलत फहमी हुई है, मैं कोई नकल उकल नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी पूरी तरीके से तलाशी ले सकते हो। अरे मोदी जी पर्ची तो थी लालू जी के पास, गई कहां, तलाशी करने पर मिली नहीं उनके पास। अरे वो सब छोड़ो मोदी जी, ये बताओ दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर क्या है। अरे अखिलेश अभी मैं पहले वाले प्रश्न पे अटका हुआ हूँ, तुम दूसरे वाले प्रश्न की बात कर रहे हो, आधे घंटे से जब से पेपर मिला खाली बैठा हूँ, एक भी प्रश्न नहीं आता है मुझे, जो याद किया था वो कुछ आया ही नहीं। अरे 3 दिन में गांव के ऊपर निबंध याद किया, आ गया शहर के ऊपर निबंध, बताओ क्या करूं। अरे राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी। हाँ बोलो योगी जी, चीख क्यों रहे हो, हल्के हल्के बोलो। अरे कबीर दास जी का जन्म कब हुआ था बता दो। अरे कबीर दास जी के जन्म के टाइम योगी जी क्या मैं था, मुझे नहीं है पता। अरे मोदी जी मैं सुबह ही ममता दीदी से कह आया था कि मैं और मोदी जी खिड़की के पास बैठेंगे, वहाँ पे चुपके से तुम हमें क्वेश्चन के आंसर बता देना, लेकिन अभी तक नहीं आई है खिड़की के पास। अरे अच्छा हुआ केजरीवाल जो ममता दीदी नहीं आई, चेकिंग देख रहे हो कितनी सख्त हो रही है परीक्षा में, लगता है इस बार एक भी क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। अरे अमित शाह जी से बात कैसे हो, वो कोने में बैठे। अरे उवैसी जी, उवैसी जी अमित शाह जी से कहना जब वो अपना पेपर हल कर ले तो कॉपी को मेरी तरफ भेज दे, इधर चुपके से तुम ही ले लेना, मुझे आगे बढ़ा देना। अरे अमित शाह जी, अमित शाह जी मोदी जी आपकी कॉपी मांग रहे हैं, कॉपी दे दो चुपके से, आपने कर लिया पूरा पेपर। अरे कर लिया पेपर अभी मैंने, अभी 2 क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाया हूँ। वैसे ओवैसी जी एक बात बताना, ताजमहल किसने बनवाया था, कल तक याद था आज भूल गया। अरे अमित शाह जी इतनी छोटी सी बात आपको याद नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ताजमहल किसने बनवाया था, पहले ये बताओ ताजमहल स्थित कहाँ पे है, कहाँ पे बना हुआ है। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे मोदी जी एक बात बताओ, इस बार का तो देसी घी बिल्कुल प्योर है।
और राहुल तुम्हें क्या लगता है क्या मैं देसी घी में भी कोई मिक्सिंग करूंगा? प्योर भैंस का देसी घी है, देख लो। अरे मोदी जी, मैं आपसे पिछली बार 100 ग्राम देसी घी ले गया था खरीद कर, लेकिन इस देसी घी को खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पूरी की पूरी तरीके से वनस्पति घी की खुशबू आ रही थी आपके देसी घी में। राहुल तो साफ साफ बोलो, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट की थी। हाँ मोदी जी, ऐसा ही समझ लो, मुझे तो देसी घी बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वनस्पति घी खा रहा हूँ मैं। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप देसी घी के पैसे लेते हो और वनस्पति घी हमें दे देते हो। राहुल एक बात बताओ, मैं तुम्हें जबरदस्ती देसी घी देता हूँ, तुम्हें अगर मेरा देसी घी खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो हटो, पीछे लाइन लगी पड़ी है खरीदने वालों की। राहुल ये क्या है, कितनी देर से तमाशा लगा रखा है तुमने, ना तुम देसी घी ले रहे हो ना दूसरे लोगों को लेने दे रहे हो। मोदी जी देसी घी क्या रेट बेच रहे हो? बोल लालू जी, 1000 रुपए किलो का दाम है देसी घी का, बिल्कुल सस्ता लगा दिया है आज तो मैंने देसी घी को। लेकिन मोदी जी कैसी बात कर रहे हो, परसों मैं आया था आपसे देसी घी खरीदने के लिए तो आपने मुझे देसी घी के दाम 800 रुपए बताए थे, आज आप 1000 रुपए किलो के हिसाब से देसी घी बता रहे हो, और ऊपर से आप बोल रहे हो कि आज तो सस्ता लगा दिया। आज सस्ता कहाँ लगा दिया, परसों तो 800 रुपए किलो बता रहे थे मुझे देसी घी का रेट। लालू जी तुमने परसों का दाम सुना था, परसों तो मैं 800 रुपए किलो ही देसी घी बेच रहा था, कल मैं देसी घी को 1200 रुपए किलो बेच रहा था, कल के हिसाब से आज 200 रुपए सस्ता 1000 रुपए किलो बेच रहा हूँ मैं देसी घी। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपकी देसी घी की खुशबू इतनी दूर तक कैसे जाती है? बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है आपके देसी घी में से, इसीलिए लोग खरीदने के लिए आते हैं। अब अखिलेश तुम ही समझो, मेरे देसी घी में से इतनी अच्छी खुशबू आती है और ये राहुल कह रहा है कि मैं देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट करता हूँ। अरे मोदी जी खुशबू तो आएगी, अखिलेश तुम भी बिल्कुल नादान हो, ये थोड़ा सा देसी घी लेती है बाकी वनस्पति घी लेती है और दोनों को मिक्स करके फिर ये देसी घी के फ्लेवर वाला परफ्यूम मिक्स कर देती है, इसीलिए खुशबू आती है। राहुल अगर तुम्हें देसी घी मेरा नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, यहाँ से जाओ, इस तरीके का घटिया इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाओ। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लालू जी भंडारे भी कम से कम पूरा खाना तो दे देते, तुमने थोड़ी थोड़ी पत्तल पर खीर रख दी तो कचौड़ी रख दी, इतना कम खाना कौन खिलाता है? खीर तो और लाओ, तुम्हारी खीर बहुत अच्छी बनी हुई है, लाओ थोड़ी सी खीर और। अरे मोदी जी तुम दुनिया की चीज मांग लो लेकिन मुझसे खीर मत मांगो, खीर खत्म हो गई, देख रहे हो केजरीवाल और ओबैसी जी को खीर मिली नहीं है, कैसे गुस्से में बैठे हैं ये दोनों लोग, इन्हें सिर्फ कचौड़ी कचौड़ी मिली है दो। लेकिन लालू जी कचौड़ी के साथ खीर कौन खिलाता है, खीर और कचौड़ी क्या साथ? देखो मैं इस बात की बुराई नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी कचौरी और खीर बनी हुई अच्छी नहीं है, तुम्हारी खीर और कचौरी बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन खीर को भी तुमने पूरा नहीं बनाया है, आधी अधूरी खीर बनाई है और कचौरी भी कम बनाई है, और खीर कचौरी का कोई साथ भी नहीं होता है। ज्यादा मत बोलो योगी जी, एक तो लालू जी ने तुम्हें कचौड़ी और खीर दोनों चीजें दे दी, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, ना इन्होंने मुझे कचौड़ी दी है ना खीर दी है, और भंडारे पे बुला लिया, बताओ मैं क्या खाऊं? अच्छा लालू जी आप एक बात बताओ, आप दो रंग की बातें क्यों कर रहे हैं? ओबैसी जी को तुमने ना खीर दी ना कचौड़ी दी, और मेरे पास तो खीर भी नहीं दी है, सिर्फ कचौरी कचौरी दी है, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ। चलो ओबैसी जी अपना लोग खाना त्याग कर चलते हैं ऐसी। अरे ओबैसी जी और केजरीवाल खाना त्यागना किसी परेशानी का हल थोड़ी है, ये बताओ मेरे पास खीर खत्म हो गई तो मैं क्या करूँ? और ओबैसी जी मैंने तो तुम्हें कचौड़ी दी थी, खीर भले ही ना दी हो कचौड़ी दी थी, लेकिन चुपके से केजरीवाल ने तुम्हारी कचौड़ी उठा ली, तुम्हें पता ही नहीं चला इसमें मेरी क्या गलती। हाँ ओबैसी जी लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लालू जी ने तुम्हें खीर नहीं दी थी लेकिन कचौड़ी कचौड़ी दी थी, कचौड़ी चुपके से केजरीवाल ने तुम्हारे पत्तल में से उठा ली, इसमें उनकी विचारों की कोई गलती नहीं है। चलो ठीक है लालू जी की कोई बदनामी मत करो, ऐसा है मेरे पत्तल में जो खीर है वो केजरीवाल और ओबैसी जी को दे दो आधी आधी, मैं तो बिना खीर के भी कचौड़ी खा लूंगा। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।